गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर फोर्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर वन नंबर्स एंड न्यूमरेशन। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व लेट अस रिवाइज। दिस इज़ बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज ऑन पेज नंबर 5। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनको आपको वर्ड्स में लिखना है। नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बुक में दे रखा है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। अगर आप इनको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो देखिए, पहले आप इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे 9483। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे या लिखना चाहते हैं तो देखिए, ये हमें पता है क्या लिखा है, 1, 10, 100, 1000। तो ये लिखा है 3849। इसका आंसर आप लिखेंगे 3849। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका जो बी पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, ए पार्ट ही ले लेते हैं। इसमें लिखा है 5406, तो हम देखेंगे क्या लिखा है, 5000, यानी कि 1000 में हमें किसे डालना है, 5 को। ये देखिए 1000 वाला कॉलम ये है, यहाँ लिखेंगे हम 5400, यानी 100 की जगह हमें लिखना है 4। और लास्ट में इन्होंने दे रखा है 6। यहाँ पे जो नंबर दे रखा है सिर्फ वंस में दे रखा है 6, यानी कि टेंस वाला जो प्लेस है वो नल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा नंबर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 5406। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है काउंट फॉरवर्ड एंड राइट, यानी कि हमें इस नंबर को आगे की तरफ काउंट करना है और लिखना है। ये लिखा है 4504। हमें मालूम है अगर हम इससे आगे काउंट करते हैं तो हम इसमें +1 +1 करते जाते हैं। अगर आप चाहें तो +1 करके भी देख सकते हैं, और वैसे आपको सीधे समझ में आ रहा है 4504 में जब आप +1 करेंगे तो 4505 आएगा। इसके बाद अगर एक और प्लस कर देंगे तो 4506 आएगा। इसके बाद एक और +1 करेंगे तो 4507, और इस तरह से 4508, 4509, 4510, 4511, 4512। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर में, यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंट बैकवर्ड एंड राइट। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ काउंट करना है, यानी कि आपको इस बार प्लस नहीं करना है, इस बार माइनस करना है। जब आप इसे माइनस करते जाएंगे तो देखिए 7005 है। यहाँ पे अगर आप -1 करेंगे तो 7004, 7003, 7002, 7001 और फिर 7000। अब यहाँ पे अगर आप -1 करेंगे तो ये, इससे आगे मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। 7000 में से जब आप वन माइनस करेंगे तो देखिए, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो यहाँ से हमें बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ से नहीं ले सकते तो यहाँ से इकट्ठा लेंगे। यहाँ से जब हम इधर ले जाएंगे तो ये 10, ये 10, ये 10 और ये 9 रह जाएंगे। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और यहाँ हमारा 9 और यहाँ ऑलरेडी 6 था, तो ये हो गया हमारा 6999। देखिए 6999 से फिर बैक में जाएंगे तो 6998, 6997। चलिए इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। प्लेस वैल्यू आपने देखिए प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी होगी। अब जैसे यहाँ पे इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं तो हमें पता है जो सबसे फर्स्ट नंबर है, राइट हैंड से हम देखना शुरू करते हैं, तो ये हमारा इसका जो प्लेस है वो वंस होता है। तो हम इसका जो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा।
अगले वाले का जो प्लेस होता है वो टेंस होता है, तो इसका मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे यानी कि 30 हो जाएगा। और थर्ड वाले का प्लेस वैल्यू जो होगा वो प्लेस रहता है 100 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई इस टाइम हम 100 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300। और उससे अगला जो है वो हमारा 1000 प्लेस है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमें प्लेस वैल्यू निकाली है वैसे ही हमें प्लेस वैल्यू निकाल के ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखेंगे। फाइव थाउजेंड एटी सेवन। यहाँ पे हम देखेंगे 7 का जो प्लेस है वो हमारा 1 है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 वन जा 7। 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 से क्योंकि इसका प्लेस हमारा 10 है, 8 टेन जा 18। 0 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से क्योंकि इसका प्लेस हमारा क्या है 100, तो ये हमारा 0 का हम मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से करते हैं 0 ही हो जाता है, तो यहाँ 0। 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1000 से क्योंकि इसका प्लेस जो है वो 1000 है, 5000। अब हम इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, तो देखिए 5000। फिर अगर 0 है तो अगर हम इसे चाहें तो नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और उससे ऊपर जाएंगे तो 80 प्लस 7, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट द नंबर इन बिटवीन। आपको बीच वाले नंबर लिखने हैं, देखिए बिटवीन मतलब बीच में, तो बीच वाले नंबर लिखने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ए पार्ट 6078 दे रखा है जबकि इधर 6080 दे रखा है। इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि इसके बीच में एक नंबर है, 6078 के बीच में 6079 आता है, तब उसके बाद 6080 आता है। तो इस तरह से आप ये बाकी के दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ लिखना शुरू करें। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, ये लिखा है हमारा 4792, यहाँ पे लिखा है 7490, यहाँ लिखा है 4977। इन तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 7490 है। चलिए तो हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे 7490। अब इसके बाद ये 4000 है दोनों, लेकिन 4000 ये 700 है जबकि 4000 ये 900 है, तो ये नंबर को हम पहले लिखेंगे 4977 क्योंकि हमें पता है 700 से 900 ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम ये वाला नंबर लिखेंगे 4792। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है फ्रॉम द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विद द डिजिट्स 8206। देखिए ये आपको 4 नंबर दे रखे हैं, इन्हें यूज़ करके आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीखेंगे। देखिए कोई भी डिजिट अगर आपको दे रखी है और उससे आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है, तो हम क्या करते हैं बिगेस्ट नंबर के लिए, चलिए इसी ये 4 डिजिट जो दे रखी हैं इन्हें ले लेते हैं 8206। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे बड़ा हमारा 8 है, उससे छोटा फिर 6 है, फिर उससे छोटा 2 है और उससे छोटा 0 है। इस तरह से हमारा बिगेस्ट नंबर फॉर्म होता है। और अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका अपोजिट कर देते हैं, इससे सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में 0 दे रखा है तो इसको हमेशा याद रखें, तो 0 को हम पहले ना लिख के 0 को हम दूसरे नंबर पर लिखते हैं, और जो हमारा दूसरे नंबर का स्मॉलेस्ट होता है उसे पहले नंबर पर लिखते हैं। वैसे हम देखें यहाँ पे पहले नंबर पे 0 है, दूसरे नंबर पे 2 है, तो हम इसको 0 नहीं लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद हम लिखेंगे 0 6 और तब 8। अब ऐसा हमने क्यों किया, 0 क्यों नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इसे 0 लिखते और 2 6 8 इस तरह से लिखते तो ये हमारा 4 डिजिट का नहीं होता रह जाता, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हम इसे नेगलेक्ट कर देते और नंबर हमारा सिर्फ 3 डिजिट का रह जाता, जबकि हमें बोला है कि 4 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, याद रखेंगे 0 का अगर केस है तो हमें 0 को सेकंड नंबर पे ही रखना है।
चलिए, तो इसका बिगेस्ट नंबर जो हो गया वो आपका हो गया 8620 और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका 2068। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि सेपरेट द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। आपको इवन और ऑड नंबर सेपरेट करने हैं। इवन नंबर के कॉलम आपको दे रखे हैं, इसमें इवन नंबर लिखने हैं। ऑड नंबर के कॉलम दे रखे हैं आपको, इसमें ऑड नंबर लिखने हैं। तो पहले जान लेते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर आप कैसे सेपरेट करते हैं। इवन नंबर को पहचानने के लिए आपको ये देखना है, अब जैसे ये नंबर आपको दे रखे हैं, ये 1000 में दे रखे हैं, तो आप इसको पूरा चेक नहीं करेंगे। इवन नंबर होता है जो आपका 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, जो पूरा डिविजिबल हो 2 से, यानी कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। तो अब हमें इसको पूरे पूरे को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट डिजिट इसकी देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर हमारा पूरा 2 से डिविजिबल है और वो नंबर इवन है। और अगर लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो हमारा ऑड नंबर है। तो देखिए 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये पूरा 9 डिवाइड होता है, 2 3 6 आते हैं और 2 4 8 आते हैं, 7 उसके टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर है, इसको हम ऑड वाले कॉलम में डाल देंगे, 2 9 8 7। सेकेंड नंबर अगर हम देखें 3 6 0 8, इसका लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 8 है। हमें मालूम है 2 के टेबल में 8 आता है, यानी कि 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 4 8 ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा इवन नंबर है, इसको हम इवन नंबर के कॉलम में डाल देंगे। इस तरह से ये आप सारा सॉल्व कर लेंगे, ये एक्सरसाइज हमारी तरफ से फिनिश, और ये सारा काम आप फेयर कॉपी में कर लें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।